सो हाई एवरी वन, आप सबका फिर से एक नई वीडियो में वेलकम है। तो दोस्तों फाइनली मुझे YouTube की तरफ से मेरी जो पहली पेमेंट है वो मुझे रिसीव हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा खुश भी हूँ कि मुझे इतनी ज़्यादा हार्ड वर्किंग करने के बाद आज ये दिन भी देखने को मिला कि मेरी जो YouTube की तरफ से फर्स्ट पेमेंट है वो मुझे रिसीव हुई। दोस्तों जहाँ पर मुझे खुशी हुई उसके साथ मुझे दुख भी हुआ, वो क्यों हुआ वो मैं आपको आगे चलकर वीडियो में बताने वाला हूँ, जो कि जिन जिन लोगों का YouTube का चैनल है उन सब के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल बात होने वाली है। तो दोस्तों चलिए मैं आपको बताता हूं कि मैंने अपनी जो फर्स्ट पेमेंट है उसको रिसीव करने के लिए मैंने किन किन डिफिकल्टीज को फेस किया था। तो दोस्तों 2019 20 दिसंबर को मैंने 2019 को मैंने अपना जो चैनल था उसको मैंने क्रिएट किया, और दोस्तों पूरे 10 माह के अंदर मेरा जो वॉच टाइम था 4000 घंटे, जो कि आपको पता ही है, और 1000 सब्सक्राइबर चाहिए होते हैं किसी भी YouTube चैनल को मोनेटाइज करने के लिए, जो कि अभी तक जो YouTube की पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो। दोस्तों पूरे 10 माह के अंदर मेरा जो चैनल था वो कम्प्लीटली मोनेटाइज हो चुका था। तो दोस्तों मोनेटाइज करने के बाद जो अगली स्टेज होती है वो होती है गूगल एडसन की पिन, जो कि अगर आप YouTube चैनल बनाते हो उसको मोनेटाइज करते हो तो आपको गूगल एडसन का जो अकाउंट होता है उसको आपको अपने YouTube चैनल के साथ लिंक करना होता है, ठीक है। तो गूगल एडसन को वेरीफाई करने के लिए गूगल एडसन की तरफ से आपको एक आपके घर पर आपके एड्रेस पर जो भी आपने एड्रेस वहां पर टाइप किया होता है उस पर आपको एक पिन रिसीव होती है, जिसके बाद ही आप अपने गूगल एडसन के अकाउंट से पेमेंट को रिसीव कर पाते हो, अदरवाइज आपका जो अकाउंट होता है वो वेरीफाई नहीं किया जाता। तो दोस्तों उसके बाद जो मेरे लिए एक नई डिफिकल्टी थी वो थी गूगल एडसन की पिन, जो कि मुझे रिसीव नहीं हो पा रही थी। दोस्तों तकरीबन 3 या 4 मरतबा मैंने उसको दोबारा रिक्वेस्ट सेंड की और मैं करता रहा, 3 वीक्स मैं अगेन वेट करता, लेकिन मुझे पिन रिसीव नहीं होती थी। और यही सबसे बड़ी मेरी जो पहली डिफ़िकल्टी थी कि मुझे गूगल एडसन की पिन ही रिसीव नहीं हो पा रही थी। तो दोस्तों मैंने उसको बार बार ट्राई किया और आई थिंक 3 या 4 मरतबा मैंने अगेन जो है पिन को रीसेंड करने के लिए मैंने रिक्वेस्ट सेंड की, लेकिन फिर भी मुझे जो मेरी गूगल एडसन की पिन थी वो मुझे रिसीव नहीं हो पा रही थी। जैसे कि अगर आप मेरी पिछली वीडियोस भी देखो तो उसके अंदर भी मैंने आपको ये बताया है कि मुझे जो मेरी गूगल एडसन की पिन है वो मुझे रिसीव नहीं हो रही। दोस्तों फिर 3 या 4 रिक्वेस्ट सेंड करने के बाद मैंने किया ये कि मैंने जो अपना गूगल एडसन का अकाउंट था उसको मैंने ऑनलाइन ही वेरीफाई करवाया, और वेरीफाई करवाने के तकरीबन 1 या 2 वीक बाद मुझे जो गूगल एडसन की पिन थी वो भी मुझे अगेन रिसीव हो गई, लेकिन मेरा जो अकाउंट था वो ऑलरेडी वेरीफाई हो चुका। जब मेरी पेमेंट थी गूगल एडसन वेरीफाई हुआ उसके बाद मेरे जो डॉलर थे, जो कि थ्रेशल्ड होता है गूगल एडसन से पेमेंट को रिसीव करने का, जब वो कंप्लीट हुआ तो नेक्स्ट मेरे लिए प्रॉब्लम ये थी कि मेरे पास जो बैंक का अकाउंट था वो मेरे पास मौजूद नहीं था। अब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं किस बैंक का जो अकाउंट है उसको मैं ओपन करवाऊँ और उसको गूगल एडसन से लिंक करवाऊँ ताकि मेरी जो कटिंग है वो कम से कम हो सके। तो दोस्तों फाइनली मैंने काफ़ी सारा डिसीजन किया और मैंने ABL के अंदर अपना जो अकाउंट था उसको मैंने बनाया और उसको मैंने लिंक किया। और अगस्त की, जैसे कि अगर आपको पता, अगर आप एक यूट्यूबर हो या नहीं हो तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि जो गूगल एडसन की जो पेमेंट होती है वो गूगल की तरफ से 21 से लेकर 26 तक गूगल की तरफ से सेंड हो जाती है। तो दोस्तों तकरीबन 24 अगस्त को उन गूगल एडसन ने मुझे मेरे अकाउंट के अंदर पिन, जो मेरी पेमेंट थी वो उन्होंने सेंड कर दी, मुझे ईमेल भी रिसीव हुआ, मुझे बहुत ज़्यादा तब खुशी भी हुई, लेकिन तकरीबन 1 से 2 वीक के बाद जाकर मुझे जो मेरी पेमेंट थी वो मुझे रिसीव हुई। जी हाँ, तो दोस्तों ये एक बिजनेस डेज का होता है, यानी कि इतने दिन के अंदर आपको जो है, वैसे ईमेल के अंदर लिखा होता है कि आपको 5 वर्किंग डेज के अंदर आपकी जो पेमेंट है वो आपके बैंक में आपको मिल जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, बल्कि 10 से 12 दिन बाद जाकर मुझे मेरी जो पेमेंट थी वो रिसीव हुई। जब रिसीव हुई तब मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी का वो लम्हा था, लेकिन उसके साथ मुझे दुख भी हुआ, वो ये कि मेरा जो ABL था, यानी कि एलाइड बैंक ऑफ पाकिस्तान, जो पाकिस्तान के अंदर जो बैंक है ABL का, उसने मेरे गूगल एडसन की पेमेंट से पूरे $30 की कटिंग की हुई थी। जबकि मैंने जब अकाउंट मैंने क्रिएट किया था तो मैंने उनको सारी सिचुएशन बताई थी कि यार ये सारा प्रोसेस है, मुझे इस तरह से पेमेंट रिसीव होगी, तब मेरे बैंक वाले ने मुझे ये इस चीज़ की कन्विंस किया था कि आपकी अकाउंट से कोई भी किसी भी किस्म की जो है कटिंग आपके अकाउंट से नहीं की जाएगी। लेकिन जब मुझे पेमेंट रिसीव हुई तो तब मेरे पूरे $30 मेरी पेमेंट से कट चुके थे, जिसकी वजह से मैं बहुत दुखी भी हुआ और मुझे समझ भी नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे पास कोई वे ही नहीं था कि मैं जाकर बैंक में अप्लाई करूं कि भाई आपने $30 क्यों काटे हैं। वो भी इतने, तकरीबन पाकिस्तानी करेंसी के अंदर 5 से 6 हज़ार रुपये बनता है ये
$30, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पाया। और फाइनली जो मेरी जो अकाउंट की पेमेंट थी वो मुझे रिसीव हुई। और बहरहाल $30 था। अगर आपका भी एक YouTube चैनल है तो आप भी एलाइड बैंक के अंदर कभी भी अपना जो अकाउंट है उसको आप ना बनाइएगा, क्योंकि अगर आप बनाते हो तो जो कई दूसरे YouTube बनाया किसी की $35 तक भी कटिंग की है एलाइड बैंक वाले ने। तो दोस्तों आप कभी भी अपना जो अकाउंट है वो ABL के अंदर ना बनाइएगा, और ना ही उसको ABL वाले अकाउंट को आपने गूगल एडसेंस से कनेक्ट करना है, वगरना आपकी साथ भी मेरे वाला जो मेरे साथ हुआ है वो भी आपके साथ होगा, क्योंकि आपके अकाउंट से भी जो पहली पेमेंट होगी या बाद में जो भी पेमेंट होगी उसमें से आपके तकरीबन $30 या $35 से $40 तक कटिंग करेगा। तो दोस्तों जैसे अभी आप लोग मुझे प्रमोट कर रहे हो, आपने आगे भी ऐसे ही मुझे प्रमोट करते रहना है ताकि हम इस चैनल को बड़े से बड़ा चैनल बना सकें और आप सब लोगों को मैं अच्छे से अच्छी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचा सकूँ जो कि बिल्कुल एक ट्रूथ बेस के ऊपर होती है। तो दोस्तों मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।